आज मैं सुबह शूट कर रही हूँ अपनी बेटी के लंच बनाने से, तो मैं उसका लंच रेडी कर रही हूँ। वह स्कूल के लिए रेडी हो रही है। यहाँ मैंने काट दिया फ्रूट और फ्रूट में दिया है एप्पल, और ज़्यादा देती तो उसको वो बचा के ही ले आती। और टिफ़िन में दिए थे पराठे और रात बनाई थी मखनी दाल, ये आ गई थी। फिर मैं 10 बजे के करीब ये मैंने पपीता खाया। फिर मैंने बनाई आलू मटर की सब्ज़ी। ये आलू, ये मटर, और इतनी बढ़िया आलू मटर की सब्ज़ी बनी थी। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। और ये मेरा धनिया, आपने पिछली वीडियो देखी होगी, तो नहीं तो देखना जाके। धनिया मेरा 15 दिन हो गए हैं, 15 दिन से भी ऊपर एज इट इज़ है। इसमें ये तेल गर्म हो गया था, इसमें डाल दी थी प्याज लहसुन कटा हुआ, और देखो कितना अच्छा कलर आया। टमाटर वमाटर सब डाल चुकी हूँ। उसके बाद डाल मैंने आलू और मटर। आलू मटर डालने के बाद मैंने इसको ये चलाया थोड़ा, मतलब कसने दिया सब्ज़ी को, कसाते हैं ना जिससे ऑयल निकल जाता है चारों तरफ से, वैसे करा। फिर उसके बाद मैंने डाला इसमें पानी, पानी डाल के लगा दी मैंने इसमें सीटी। सीटी लगाने के बाद इसका कलर देखते सब्ज़ी का कितना अच्छा था। ये शाम का है, शाम को मैंने बनाया था साग, और साग बिल्कुल भी अच्छा नहीं बना था क्योंकि ये पीस ज़्यादा गया था, जबकि मेरे से हाथ से नहीं घोटा जाता, पीस ज़्यादा गया था। फिर उसके बाद मैंने तड़का लगाया तो खाने में बहुत टेस्टी था, बहुत टेस्टी। तो बाय, इसी के साथ ही मैं अपना ब्लॉग समाप्त करती हूँ।